हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दांत हिलने के कारण क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं कि दांत किस वजह से हिलते हैं और इनको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो अगर आपको भी ये जानना है तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन कर दीजिए। तो आइए आज इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि दांत हिलने के कारण क्या हैं। सबसे पहले जो बेसिक कारण होता है वो होता है कि अगर हम हमारे मुंह की सफाई ढंग से नहीं करते हैं तो हमारे मुंह में प्लाक या कैलकुलस का डिपोजिशन बन जाता है। प्लाक या कैलकुलस का डिपोजिशन बनने के बाद में हमारे मसूड़े वहाँ से थोड़े थोड़े करके ढीले होने लगते हैं और वहाँ पे बोन लॉस भी होता है, यानी एल्वियोलर बोन। एल्वियोलर बोन क्या होता है? जो बोन, जो आपका दांत है उसके जो चारों तरफ बोन होती है, जो हड्डी होती है जिसने दांत को पकड़ रखा है, हम उसको एल्वियोलर बोन कहते हैं। वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती है और अपनी पकड़ दांत पे से छोड़ देती है, जिस कारण आपका दांत हिलता है। पायरिया के कारण भी आपके दांत हिल सकते हैं। पायरिया की कंडीशन में आपका कैलकुलस डिपोजिशन और प्लाक डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है जो आपके मसलों को धीरे धीरे करके नुकसान पहुँचाती है, तो इस कारण भी आपके दांत हिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कोई चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, उस समय आपके दांत हिल गया है, तो उस कारण भी आपका दांत हिल सकता है। पेरियापाइकल एब्सिस। पेरियापाइकल एब्सिस वो होता है जो हमारे दांतों को सड़ने की वजह से नीचे उसकी जड़ों में जाके मवाद बना लेता है, जिस कारण दांत की पकड़ कम हो जाती है और वो हिलना शुरू हो जाता है। हमारी जो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस दांत के नीचे, जैसे कि इसको आपको ये लाल लाल यहाँ दिख रहे हैं, ये दांत की जड़ के नीचे पूरा एब्सिस बनने लग जाता है, जिस कारण आपके दांत हिल जाते हैं। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमारे दांत हिलते हैं। अब बात करते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर प्लाक या कैलकुलस के थ्रू आपके दांत हिल रहे हैं, यानी उनके डिपोजिशन की वजह से आपके मसूड़े लूज पड़े हैं और आपके दांत पे हिल रहे हैं, अगर आपका कैलकुलस डिपोजिशन बहुत कम है तो उस फेज में आपकी सिर्फ स्केलिंग करके दांतों को बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि पेरिडोंटाइटिस। अगर आपका काफ़ी हद तक पायरिया बढ़ गया है जिसके कारण आपके दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, तो उस जगह हमें एक फ्लैप सर्जरी करनी पड़ती है। फ्लैप सर्जरी मैं आपको पहले वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके फ्लैप सर्जरी देख सकते हैं। तो उसमें फ्लैप सर्जरी करने के बाद में आपके दांतों को हिलने से रोका जा सकता है, यानी उसमें आपकी पहले डीप स्केलिंग की जाती है, यानी डीप दांतों को साफ किया जाता है, उसकी रूट्स को साफ किया जाता है, जिस कारण आपकी जो जड़ें दिख रही हैं या कैलकुलस डिपोजिशन जो जड़ों तक पहुँच गया है उसको रिमूव करके वहाँ पर फ्लैप लगा दिया जाता है और वापस मसूड़ों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक्सीडेंटली आपका दांत टूट गया है या फिर एक्सीडेंट की वजह से आपका दांत हिल रहा है, तो उस समय आपको स्प्लिंटिंग नाम का प्रोसेस करते हैं। स्प्लिंटिंग क्या होता है कि आपके जो मजबूत दांत हैं उनका सपोर्ट लेते हुए एक बैंड बांध देते हैं, जिसके कारण थोड़े टाइम के बाद जो आपका दांत एक्सीडेंट के थ्रू हिल रहा था वो धीरे धीरे हिलना बंद कर देता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके दांत मवाद बनने से, यानी पेरियापाइकल एब्सिस बनने से अगर आपका दांत हिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी मवाद जो होती है वो आपकी आरसीटी के थ्रू निकाली जाती है। आरसीटी के थ्रू मवाद निकलने के बाद में आपका दांत हिलना बंद हो जाता है और वो वहीं स्टॉप हो जाता है। तो ये चार पांच प्रोसेस हैं जिसके कारण आपके हिलते हुए दांतों को बचाया जा सकता है। अगर आपको भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी नज़दीकी डेंटिस्ट से जाके इसके बारे में सलाह कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।